हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखा चौबे रेसिपी। तो अभी मैं वॉक करके आ रही हूँ और मैं वॉक करके आते ही कुछ हेल्दी ड्रिंक लेती हूँ। तो उसके लिए मैं या तो फ्रूट वेजिटेबल जूस बनाती हूँ या फ्रूट जूस बनाती हूँ। तो आइए, मैं आज लौकी का जूस बनाने जा रही हूँ, तो साथ में बनाए और साथ में पीते हैं। तो लौकी को मैंने पिल ऑफ कर लिया है, इसका छिलका उतार लिया है और उसको मैंने वॉश कर लिया है। अब इसको हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। ऐसे कट कर देंगे और आप चाहें तो चॉपर स्टैंड पर भी कट कर सकते हैं। ऐसे हम सारे लौकी को तो इस तरह से मैंने लौकी के छोटे छोटे पीस कर लिया। अब मैं इसको मिक्सी के जार में डाल दूंगी। तो चलिए मिक्सी के जार में डालते हैं। अब मैं कुछ जार में डाल दूंगी। जार में डाल लिया, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल लूंगी। अब इसका कैप बंद करके मैं इसको रेडी हो गया। अगर आप चाहें तो इसको छान सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं जूस को छानती नहीं हूँ। अगर बच्चों को देना तो छान सकते हैं, क्योंकि इसका सारा फाइबर निकल जाएगा अगर हम छान देंगे तो। तो ये देखिए, मैं आपके सामने इसको ग्लास में डालती हूँ। थोड़ा सा इसको पानी डालकर पतला कर सकते हैं। अगर आप नहीं पी सकते हैं तो आप प्लीज इसको छान लीजिए। तो हमारा जूस रेडी हो गया। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हैं, इसे टेस्ट इसका अच्छा आता है। और लौकी के जूस हमेशा खाली पेट पीना चाहिए, वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। लौकी का जूस कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हमारे बीपी को कंट्रोल करता है और जो फैट्स होता है उसको भी बर्न करता है। तो प्लीज़ लौकी का जूस ज़रूर पीना चाहिए, बहुत फ़ायदा करता है। लौकी के जूस में विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन के, विटामिन ए, आयरन, पोटेशियम एंड मैग्नीज भी होते हैं। तो आपको पता है कि बहुत फ़ायदे की चीज़ है। तो प्लीज़ आप पिए और ट्राई करें। अगर आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।